अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो है उसमें ये बताऊंगा आपको कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, जहाँ पे स्पेशली अगर वो जाते हैं, जहाँ पे उस एरिया में जहाँ पे बर्फबारी होती है, तो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर जो है वो ले सकते हैं ताकि वो उनकी ड्राइविंग जो है सेफ हो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि डिस्टेंस, अब सामने जो गाड़ी है, जो सामने जा रही है, उसको आपने काफ़ी गैप देना है कि आप इन केस ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो ब्रेक मार दी है, जिससे कोई भी स्लो हुई ना ये मुड़ेगी। तो हमारे पास डिस्टेंस था और स्पीड थोड़ी नॉर्मल थी, दूसरी स्पीड, पहली डिस्टेंस ज़्यादा दो और स्पीड। तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हम अपनी गाड़ी को रोक सकते हैं टाइम पे, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो गाड़ियाँ स्लिप होती है। और दूसरी चीज़, स्नो वाले टायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ लोग एहतियात नहीं करते, कहते हैं कुछ नहीं, अल्लाह तो बिल्कुल मालिक है, अल्लाह ही मालिक है, और तो कोई मालिक है ही नहीं। वही है कि उसके बगैर जो है आप कभी भी मत जाओ, चेन के बगैर और स्नो वाले टायर्स के बगैर जो है आप कभी भी ड्राइविंग पे मत निकलो। ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि स्नो वाले टायर और चेन का पर्पज यही है कि आपको सेफ रखना ड्राइविंग के दौरान, जब स्पेशली जब आप स्नो में ड्राइव कर रहे हो। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्पेशली ड्राइव इन द स्नो। आप लाला क्या कहोगे, आप कुछ अपने तरफ से ऐड करना चाहो कुछ स्पेशल? तो हाँ, बस यही जो मेन बात थी कि डिस्टेंस मतलब ज़्यादा रखना चाहिए ना, रोड स्लिपरी हो जाता है, तो अगर ब्रेक वगैरह भी बंदा कर ले तो मतलब डिस्टेंस से फिर वो गाड़ी खुद स्टॉप हो जाती है। और दूसरी जो है स्नो टायर जो है वो भी एक फैक्टर है इसमें, और बाकी बस अपना अपनी गाड़ी को मतलब वो उसमें रख लेना, कंडीशन में रख ले, ताकि आप इतने मतलब टफ रूट में जा रहे हो ना, तो इसमें हर चीज़ फैक्टर करता है, इंजन फैक्टर करता है, आपका हीटर फैक्टर करता है, तो ऑयल फैक्टर करता है कि आपने ऑयल वगैरह सब ठीक है, पानी वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें फैक्टर करती है। और सबसे बेहतरीन जो फैक्टर इसमें शामिल है लाला, वो आपकी स्पीड है। स्पीड है मतलब अगर रोड 60 किलोमीटर पर आवर का भी हो तो आपने 40 पे जाना है, 40 पे, 30 पे, क्योंकि आपने स्नोफॉल के लिए आ रहे हो, इंजॉयमेंट के लिए आ रहे हो ना, तो इंजॉय कर लो। स्पीड का इसमें कोई वो नहीं है, स्पीड के लिए आपको कोई और रूट चाहिए वो स्पीड कार ले लो। सही बात है। दूसरा ये है कि ब्रेक का जो है ना, आपने कम से कम, जिस तरह अभी सामने सिग्नल है, आप पहले से देखो यार ये सिग्नल जो है रेड हो सकता है, तो अपनी स्पीड बिल्कुल कम रखो कि जहाँ सिग्नल करीब पहुंच दिया आपको मामूली सा ब्रेक लगाना पड़े। लोग ये करते हैं स्पीड में चलाएंगे फिर कहेंगे हम ब्रेक लगा लेंगे, तो ब्रेक पे डिपेंडेंट मत हो। आप अपने एक्सेलेटर से जो है अपनी गाड़ी को जो है एक्सेलेटर को कम करके, आप स्पीड कम करके उसके हिसाब से आपने गाड़ी चलानी है। हाँ, तो बस लाला यही थी, ये इम्पोर्टेंट चीजें थी जो हमें जो बातें थी हमें पता थी। हाँ, बाकी जो आप लोगों को खुद भी पता होगा तो आप कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं। हाँ, और हमारे साथ ये माहौल एंजॉय करें।